get on together. हेलो फ्रेंड्स, मायापुरी न्यूज रील में आपका स्वागत है। मैं हूँ सिमरन। आइए देखते हैं बॉलीवुड की खबरें फटाफट। रेस 3 की स्पेशल स्क्रीनिंग। रेस 3 की स्क्रीनिंग के लिए कई सेलेब पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान एक बेहद खास गेस्ट पहुंचे। इस दौरान भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अपनी पत्नी के साथ पहुंचे। इस दौरान हुमा कुरैशी भी नजर आईं। हाई अलर्ट पर मुंबई पुलिस। सलमान खान की जान को खतरा है, इसे देखते हुए मुंबई पुलिस ने दबंग खान के लिए और कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। संपत नेहरा के 3 साथी राजू, अंकित, अक्षय शूटर हैं। ये तीनों शख्स सलमान को खतरा पहुंचा सकते हैं। रिवॉल्वर दादी तापसी पन्नू। तापसी पन्नू एक बार फिर से बड़े पर्दे पर रियल लाइफ रोल निभाएंगी। फिल्म में वो एक शूटर की भूमिका में होंगी, जो भारत की दो बुजुर्ग महिला शूटर चंद्रो तोमर और उनकी देवरानी प्रकाशी तोमर की जिंदगी से प्रेरित है। फिल्म का नाम उमनिया रखा गया है। फिल्म का निर्देशक अनुराग कश्यप करेंगे। अरमान कोहली हुए गिरफ्तार। फिल्म अभिनेता अरमान कोहली को मुंबई पुलिस ने गर्लफ्रेंड नीरू रंधावा के साथ मारपीट मामले में गिरफ्तार कर लिया है। अरमान पर उनकी गर्लफ्रेंड नीरू रंधावा ने मारपीट की शिकायत दर्ज कराई थी। नीरू एक फैशन स्टाइलिस्ट हैं। अरमान को हुई जेल। अरमान कोहली को मुंबई पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद कोर्ट ने अरमान कोहली को 26 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इसके अलावा फैसले के विरोध में कोर्ट में दाखिल की गई अरमान की जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया गया है। सिनेमा घर की चेन शुरू करेंगे सलमान। सलमान खान अब खुद के थिएटर्स की चेन लॉन्च करने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। मुंबई के बाहरी इलाके में सलमान ने अपने पहले थिएटर का निर्माण भी शुरू कर दिया है। पिता की बायोपिक में वरुण। बॉलीवुड में इन दिनों बायोपिक का दौर है। ऐसे में जब वरुण धवन से पूछा गया कि वो किस बायोपिक का हिस्सा बनना चाहेंगे, तो वरुण ने कहा कि मैं अपने पिता पर बनी फिल्म में काम करना चाहूंगा। सलमान की फिल्म में कपिल। सलमान खान जल्द ही सोहेल खान के साथ शेर खान फिल्म में काम करने जा रहे हैं। सोहेल खान ने काफी साल पहले कपिल शर्मा से फिल्म के लिए वादा किया था कि वो उन्हें अपनी अगली फिल्म शेर खान में लेंगे। कपिल शर्मा सोहेल खान की फिल्म शेर खान में काम करते नजर आ सकते हैं। भागते रहो का ट्रेलर लॉन्च। ट्रेलर लॉन्च के मौके पर राहुल रॉय, पंडित पवन कौशिक, ब्राइट के योगेश लखानी, मुकेश खन्ना और सुरेंद्र पाल के साथ फिल्म के स्टार कास्ट भी मौजूद थे। फिल्म के राइटर डायरेक्टर प्रफुल्ल तिवारी हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर विराट अनुष्का। अनुष्का शर्मा अपने पति विराट कोहली के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई। ये दोनों सितारे बैंगलोर के लिए रवाना हो रहे थे। अनुष्का और विराट कैजुअल अवतार में दिखे। अनुष्का ट्राउजर और डेनिम जैकेट में थी, तो वहीं विराट कोहली ट्राउजर और टी शर्ट में थे। हॉटनेस का तड़का लगाती दीपशिखा। दीपशिखा नागपाल इन दिनों कैलिफोर्निया में एंजॉय कर रही हैं। इन दिनों दीपशिखा नागपाल काफी तेजी से सुर्खियों में हैं, क्योंकि उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी बहुत ही सेक्सी और बोल्ड फोटो शेयर की हैं। दीपशिखा ने इंस्टाग्राम पर हाल ही में एक तस्वीर शेयर की है, जो बिकनी में है। बॉलीवुड में डेब्यू करेंगे महेश बाबू। तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार महेश बाबू बहुत जल्द बॉलीवुड में अपना डेब्यू कर सकते हैं। महेश बाबू की अपनी एक अलग फैन फॉलोइंग है। परिवार के साथ छुट्टियां बिताकर स्पेन से लौटते हुए महेश बाबू ने हैदराबाद का रुख न कर मुंबई में अपना समय बिताया। हॉलीवुड फिल्म में काजोल। काजोल ने हॉलीवुड फिल्मों में काम करने की इच्छा जाहिर की है। काजोल ने कहा कि वो पश्चिम की दुनिया को एक्सप्लोर करने और हॉलीवुड की फिल्मों में काम करने के लिए तैयार है। टॉयलेट का कलेक्शन 7 करोड़। फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा, जो कि चाइना में टॉयलेट हीरो के नाम से रिलीज हुई है, घर घर टॉयलेट बनवाने की कहानी पर बनी। इस फिल्म ने चाइना के बॉक्स ऑफिस पर पहले वीकेंड में 61 करोड़ से ज्यादा रुपए का कलेक्शन किया। कलंक में रोमांस करेंगी सोनाक्षी। सोनाक्षी सिन्हा इन दिनों करण जौहर की पीरियड ड्रामा फिल्म कलंक की शूटिंग में बिजी हैं। फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा सिद्धार्थ रॉय कपूर के साथ रोमांस करते हुए नजर आएंगी। सोनाक्षी और सिद्धार्थ के साथ वाले शेड्यूल की शूटिंग इसी हफ्ते से शुरू की जाएगी। गुलजार के साथ काम करेंगी दिव्या। दिव्या ने कहा कि ऐसे कई किरदार हैं जिन्हें मैं निभाना चाहती हूं, और ये मेरी इच्छा है कि जब भी कोई फिल्म निर्देशित करे मैं उसका हिस्सा बनूं, क्योंकि मैं उनकी फिल्म निर्माण की शैली को बहुत पसंद करती हूं। पलक का हर गीत मील का पत्थर। पलक मुछाल का कहना है कि मेरा गाया हर गीत मेरे लिए मील का पत्थर रहा है, लेकिन मेरा पहला गीत लापता को छोड़कर एक गाना जो मेरे लिए गेम चेंजर रहा है, वो आशिकी 2 का रहा है। बॉबी के लिए अवार्ड मायने नहीं रखता। बॉबी का कहना है कि उनके लिए अवार्ड से ज्यादा लोगों का प्यार अधिक मायने रखता है। मेरे पिता धर्मेंद्र को कभी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार नहीं दिया गया। उन्हें अपने फैंस से बहुत प्यार और प्रशंसा मिली, और मेरे फैंस का मेरे प्रति भी यही रुख है।
सिनेमा से विलन गायब हो रहे हैं। शक्ति कपूर का कहना है कि सिनेमा से खलनायक गायब हो रहे हैं। शक्ति ने कहा, बॉलीवुड हमेशा से खलनायक के चरित्र के लिए एक अनोखा अनुभव महसूस कराने पर जोर देता रहा है। एक खलनायक का रोमांटिक सीन सिर्फ आधुनिक दौर में ही हो सकता है। मायापुरी न्यूज़ रील में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे इसी समय। देखते रहिए मायापुरी कट।